नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा का आज आगाज हो रहा है। बता दें, दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होकर गाजियाबाद से बागपत तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कई नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं यात्रा में शामिल होने के लिए यूपी के विभिन्न क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी बागपत के बड़ौत के छपरौली चुंगी में आयोजित नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे। सभा समाप्त होने के बाद शामली जिले के आगे की यात्रा रवाना होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता विवांशु जुड़ चुके हैं। विवांशु, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 108वां दिन है और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। अगर बात की जाए तो दिल्ली के कश्मीरी गेट से ये यात्रा शुरू हो रही है जो गाजियाबाद में दोपहर तक प्रवेश कर लेगी। वही आपको बताया कि आज इसको लेकर आज जो कांग्रेसी है वो काफी उत्साहित है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश के अंदर में 120 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा के जो भारत यात्री है वो सफर करेंगे। आपको बताया कि अन्य प्रदेशों में भारत जोड़ो यात्रा की जो लोकप्रियता है उसमें काफी इजाफा देखने को मिला है, तो वही उत्तर प्रदेश में भी काफी संख्या में यहाँ कांग्रेसी नेता और गैर कांग्रेसी नेता जो इस यात्रा में कहीं ना कहीं वो जाना चाहते हैं, ये सभी लोग अब यात्रा में सम्मिलित हो गए। इस यात्रा से साफ तौर से राहुल गांधी की जो छवि है उसमें काफी उछाल देखने को मिला है और इससे साफ है कि जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं इस यात्रा को कहीं ना कहीं देखे तो ये कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक ये यात्रा इन्होंने रखी है। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा, वही भी कहीं ना कहीं देखे तो 3000 किलोमीटर के लगभग हो चुकी है, अब लगभग 500 किलोमीटर बाकी है और कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में 11 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा घूमेगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के महज 75 जिलों में से महज 3 जिले को छुआ जा रहा है और वहां से अगर देखें तो 3 जिलों के घूमने के बाद 5 जनवरी को ये सफर पूरा होगा। आपको बताएं कि 4 जनवरी को यात्रा शामली पहुंचेगी, कल शामली पहुंचेगी और आपको बताएं कि परसों यानी कि 5 जनवरी को ये यात्रा हरियाणा के लिए रवाना होगी। तो इसमें साफ तौर से देखें तो जहां देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि राहुल गांधी की तरफ से तमाम नेताओं को आमंत्रण दिया गया था जिसमें कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी गई और तमाम उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी यात्रा को सफल बनाने की कामना भी की गई पत्र के माध्यम से। अब देखने वाली बात यह होगी कि तमाम विपक्षी दलों को भी राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में आने के लिए इन्विटेशन दिए हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि कौन अति गणमान्य व्यक्ति इस यात्रा में आज सम्मिलित होता है। जी विवांशु, राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी की खोई सियासी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, तो अब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, कितना रंग दिखाएगी यूपी में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए निश्चित तौर से इस यात्रा से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की छवि में काफी सुधार देखने को मिला है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और वही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं देखे तो जहां कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश लाल खाबरी ने कहा कि तमाम विनतियों के बाद से ये यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, इसको आगे हम और विस्तृत रूप से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ले जाएंगे। उनका साफ तौर से कहना था कि जो पुराने कांग्रेसी हैं और जो देश की हालात पे अभी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, स्थिति पे सोच रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर में अपना रुझान जगा रहे यानी कि इंटरेस्ट जगा रहे। देखने वाली बात ये होगी कि इस यात्रा की शुरुआत आज हो रही है, लगभग 120 किलोमीटर पदयात्रा होगी, इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से खेल जगत से चेहरे सम्मिलित होते हैं और उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का क्या इम्पैक्ट रहता है वो यात्रा के बाद और यात्रा में से जो लोग शामिल होंगे उसके हिसाब से लगाना आम होगा। मगर अभी बात की जाए
तो लगभग कई राज्यों में, 9 से ऊपर राज्यों में ये यात्रा सफल रही है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, ऐसे तमाम जो राज्य थे वहां से भारी जन समुदाय का समर्थन मिला। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में कैसा समर्थन मिलेगा। आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी से ये यात्रा खत्म होगी और वहां से हरियाणा जाएगी। अब हरियाणा से पंजाब की तरफ ये रुख करेगी और वहां से जम्मू काश्मीर। तो कहीं ना कहीं अब यात्रा का लगभग 80% कम्प्लीट कर ली गई है, 20% बाकी है जो उत्तर प्रदेश में 5 तारीख को खत्म हो जाएगी। आज से 9 दिनों के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई है। आपको बताएं कि इस यात्रा की अगुवानी राहुल गांधी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर देखें तो मैनेजमेंट, जो पूरी यात्रा की मैनेजमेंट है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो इस पूरा यात्रा की रूपरेखा और डिसिप्लिनरी इंचार्ज जयराम रमेश की अध्यक्षता में इस पूरे यात्रा की डिसिप्लिन और तमाम जो शेड्यूल है वो उसको देखा जा रहा है। जी जी विवांशु, सही कहा आपने, ये तो वक्त ही बताएगा यात्रा के बाद कि आखिर ये यात्रा क्या रंग दिखाती है उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश में घना कोहरा और गलन कहर ढा रही है। आज सुबह भी घने कोहरे के आगोश में रहे कई शहरों में तो सुबह से लोग घरों के बाहर आग से बचने के लिए आग जलाकर बैठे हुए हैं और कई जगहों पर रैन बसेरे का भी इंतजाम किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कोल्ड डे कंडीशन के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक दृश्यता 100 मीटर रही। तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं लखनऊ की है, वहीं दूसरी तस्वीर मेरठ की है। ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से विवांशु जुड़ चुके हैं। विवांशु, प्रदेश में घना कोहरा और गलन कहर ढा रही है, लखनऊ में आप मौजूद हैं, कैसी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? जी, आपको बता दें कि बरसों पे हो रहे बर्फबारी से जो जमीन है यानी कि स्थल है उस पर भारी कहीं ना कहीं टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली है। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो आज सुबह से ही जो चांद है, माफ करिए, जो सूरज है वो अब तक नहीं निकला है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का अलर्ट था कि 5 दिनों तक, आने वाले 5 दिनों तक भारी गलन और कोहरा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म यानी कि तेज रफ्तार से हवाएं बहेंगी वो साफ तौर से आज दिखते हुए नजर आ रहा है। आज बात की जाए तो पहला दिन है और आज सुबह से ही भारी कोहरा देखने को मिल रहा है और आम जनमानस इससे काफी परेशान है। और बात की जाए तो इससे जीव जंतु भी परेशान है। अगर सड़कों पर बात की जाए तो गाय, कुत्ते, तमाम ऐसे जीव जंतु है जो कहीं ना कहीं गर्म जगहों का सहारा ले रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सड़कों पे जो आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं इसे ठंडी से परेशान है। वहीं अगर बात की जाए मयूरी, तो मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि आने वाले 5 दिनों तक भारी ठंड देखने को मिल सकता है। इससे आमतौर पर अगर देखे कि जो सांस के रोगी है जिन्हें सांस संबंधित समस्या है उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मयूरी अगर देखा जाए तो इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, इन मरीजों को खास मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें मयूरी, तो आमतौर पर नगर निगम ने तमाम दावे वादे किए थे कि शहर के अलग अलग प्रमुख चौराहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है, जो कि आज ठंडा इस भरी ठंडी में पूरी अलाव व्यवस्था की पोल खोल रही है। वहीं अगर बात की जाए रैन बसेरों की, तो रैन बसेरों की भी हालत कहीं ना कहीं बदतर होती जा रही है, क्योंकि जो ठंड आज दिखी है वो आज से पहले इस सीजन में नहीं दिखी। और कहीं ना कहीं से जो आम जनमानस है, जो आगंतुक है, जो लखनऊ शहर में अपने तमाम कामों को लेकर आते हैं, चाहे बात की जाए SGPDI, चाहे बात की जाए KGMU, चाहे बात की जाए 4 बाग रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं वैन व्यवस्था की, जो वैन बसेवा की जो व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। और
कहीं ना कहीं जो बड़े प्रमुख चौराहे हैं वहां पर अलाव लगाने की जरूरत है। इसमें राजधानी लखनऊ के नगर निगम का भारी लापरवाही सामने है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर आयुक्त इस पर अपना क्या रुख देते हैं। वही मयूरी अगर बात की जाए तो इस ठंड से अब के साथ साथ अब कोल्ड अलर्ट भी जारी हो चुका है। जी विवांशु, जैसा अभी आपने कहा कि दावे खूब किए गए लेकिन वो सिर्फ कागजी नजर आ रहे हैं, तो इस पर एक्शन कब लिया जाएगा क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, कई गरीब आशाएं हैं जिनको रैन बसेरे का सहारा नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे असहाय लोग हैं जो रैन बसेरों की व्यवस्था के बारे में जानते ही नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए नगर निगम की तरफ से जैसे कूड़ा उठाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कूड़ा देने की बात कही जाती है, ठीक वैसे ही जो गरीब बस्तियां हैं जहां पर लोग सड़कों पर अपनी रात बिताते हैं खुली आसमान के नीचे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं शर्मसार होती है। इसको देखते हुए जो नगर निगम है वो एक अनाउंसमेंट भी लोगों के बीच कराएगा। बात की जाए राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु से और साथ ही चौक को जोड़ने वाले रास्ते पर, तो ऐसे जगहों पर तमाम ऐसे लोग बीच रोड पे सोए मिलते हैं जो कहीं ना कहीं छत की उनकी कमी है और रिक्शा चालक है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान के तहत कि आपके लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, लखनऊ नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, इन सब चीजों को बताने की आवश्यकता है जिससे लोग कहीं ना कहीं ठंड से बच सके। वहीं अगर बात की जाए तो शीतलहर के मद्देनजर रखते हुए लखनऊ के डीएम ने 4 से 7 जनवरी तक कक्षा 12 तक के स्कूलों को छुट्टी का ऐलान किया है। इससे आम देखा जाए तो आम तौर से बच्चे जो ठंड का शिकार ना हो, ठंड के कहीं ना कहीं प्रकोप से बचे, इसको लेकर डीएम लखनऊ की तरफ से बच्चों की 4 से 7 जनवरी तक स्कूल की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। विवांशु, जिस तरह से ठंड अपना कहर दिखा रहा है और कहीं ना कहीं एक तरफ अगर ठंड बढ़ेगी तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा, तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्था की गई है, कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी साफ तौर से अगर बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार इस वक्त जो ठंडियों में जो लोगों की इन्फेक्शन और तमाम डिजीज होते हैं उसमें इजाफा देखने को मिलता है, साथ ही साथ सांस संबंधित दिक्कतों का मरीज मिलते हैं, मगर आमतौर पर गर्मी के मुताबिक तो अन्य सीजनों के मुताबिक कहीं ना कहीं इस सीजन में जो मरीज होते हैं उनका जो रेशियो होता आने का वो हाफ हो जाता है। अगर बात की जाए तो इस समय अस्थमा से लेकर और तमाम जो सांस संबंधित बीमारियां होती हैं, चाहे बात की जाए ब्रेन आपके ब्रेन स्ट्रोक और तमाम ऐसे बीमारियों का कहीं ना कहीं जो मरीज होते हैं वो ठंडियों में देखने को मिलता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। मगर कहीं ना कहीं देखिए तो पूरा जो सरकारी महकमा है, स्वास्थ्य महकमा है, वो पूरी तरह से लेकर अलर्ट मोड पे है कि कैसी कोई भी अगर दिक्कतें आती हैं तो जल्द से जल्द फास्ट ट्रीटमेंट किया जाए और जो मरीज है उसे सकुशल इलाज करके उसे कहीं ना कहीं जो सरकार की दावे है उसे हम कागजों पर पूरा करें। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।